जय हिंद दोस्तों, मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या ट्रेड थे हमारे फ्राइडे के सेशन में, और उसी के साथ हम बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मंडे के सेशन के लिए और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो देखते हैं चार्ट पे कैसा रहेगा कल का मार्केट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपने फ्राइडे के सेशन के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में रिकैप कर लेते हैं। फ्राइडे के सेशन में हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 40,200 से लेके 40,300 के बीच में और कुछ 20 से 45 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बट मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया और उसके बाद थोड़ा 40,100 के लेवल पे कंसोलिडेट करने लगा, तो मार्केट में जैसे ही इसने 40,200 का लेवल रिटेस्ट किया था तो हमने यहाँ पे 40,200 का कॉल शॉर्ट किया था। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट था वो 40,100 से लेके 40,000 के लेवल के बीच में था, जो हमें फर्स्ट हाफ में ही इजीली मिल गया। उसके बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लगा तो हमने वेट किया यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 40,100 के लेवल पे, और यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट था 39,900 के लेवल पे वो हमने जैसे ही अचीव किया यहाँ पे सेकंड हाफ में, यहाँ पे हमने अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दी थी। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस फ्राइडे के सेशन के लिए, और हमने जो प्रॉफिट बुक किया है वो ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस मंडे के सेशन के लिए, और उसी के साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम क्या ट्रेड लेने वाले हैं ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। मान लेते हैं मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी अगर 39,800 से लेके 40,000 के लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है, और ओपन होने के बाद यहाँ पर ये 15 से 20 मिनट कंसोलिडेट करता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर के लिए, तो जैसे ही मार्केट में 40,000 का लेवल ये ऊपर के लिए ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे 40,000 का कॉल बाय कर सकते हैं या उसी के साथ 40,000 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 40,150 से लेके 40,200 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम 40,100 के लेवल पे अपने सारे स्टॉप लॉसेज जो है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। अगर यहाँ से हमें फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में हमारा सेकंड टारगेट मिल जाता है जो 40,300 से लेके 40,400 के लेवल के बीच में है, तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब मान लेते हैं मार्केट में अगर कल फ्लैट ओपनिंग होता है 39,800 से लेके 40,000 के लेवल के बीच में, और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे 15 से 20 मिनट कुछ कंसोलिडेट करता है और प्राइस एक्शन बनाता है नीचे साइड के लिए, तो जैसे ही मार्केट 39,900 से लेके 800 के लेवल पे ये क्रॉस करेगा नीचे साइड के लिए तो हम 39,800 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या 39,800 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 39,700 से लेके 39,600 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग पे ला के ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 39,500 से लेके 39,400 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पर एक तो अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर सकते हैं या उसके साथ हम अपने जो कॉस्टिंग के स्टॉप लॉसेस ट्रेल किए हैं वो 39,600 के ऊपर ट्रेल भी कर सकते हैं। बट मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आपको जैसे ही मार्केट में 39,400 का लेवल टेस्ट करने के लिए मिले तो हम तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन सारी स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं मार्केट में अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 40,100 से लेके 40,200 के लेवल के बीच में, और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है 30 से 45 मिनट के बीच में, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट 40,200 का लेवल ऊपर के लिए क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे 40,200 का कॉल बाय कर सकते हैं या उसी के साथ 40,200 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,300 से लेके 40,400 के लेवल के बीच में रहने वाला है।
अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो 40,300 के लेवल के नीचे ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,500 से लेके 40,550 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पर हम अपनी सारी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं मार्केट में अगर कल 40,100 से लेके 40,200 के लेवल के बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर कुछ 30 से 45 मिनट प्राइस एक्शन बनाता है और जैसे ही नीचे साइड के लिए ब्रेक करता है 40,100 के लेवल को, तो हम यहाँ पे 40,100 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 40,100 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 40,000 से लेके 39,900 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग पे ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 39,800 से लेके 39,700 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाते हैं तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर मंडे के सेशन में गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं मार्केट में अगर कल बैंक निफ्टी 39,800 से लेके 39,700 के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 30 से 45 मिनट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और जैसे ही मार्केट को ऊपर के लिए ब्रेक करता है 39,800 के लेवल को, तो इसके फर्स्ट ब्रेकआउट में ही हम 39,800 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 39,800 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 39,900 से लेके 40,000 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग पे लाके ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो 40,100 से लेके 40,150 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पे हम अपनी सारी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं मार्केट में अगर कल गैप डाउन ओपन होता है 39,800 से लेके 39,700 के बीच में और ओपन होने के बाद ये यहाँ पे 30 से 45 मिनट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और जैसे ये नीचे साइड के लिए ब्रेक डाउन करता है 39,700 का लेवल, तो हम यहाँ पे 39,700 का पुट बाय कर सकते हैं या उसी के साथ 39,700 का कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 39,600 से लेके 39,500 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग के आसपास में ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 39,450 से लेके 39,400 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वेयर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिए मार्केट में एक चैनल बना है फ्राइडे के सेशन में, जो है ये ट्रेंड लाइन और ऊपर के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है जो मार्केट में एक रेजिस्ट कर रहा है चैनल के साथ साथ, वो है ये वाली ट्रेंड लाइन। मार्केट में जैसे ही 40,000 के लेवल को ऊपर के लिए क्रॉस करता है और 40,000 के ऊपर ही अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हमें यहाँ से एक 200 से 300 पॉइंट का मूव कल के दिन में देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है और ऊपर के लिए कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है तो यहाँ से हमें 40,200 से लेके 40,300 के लेवल कल के दिन में देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसी के साथ अगर ये नीचे की सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है ये अगर नीचे के लिए ब्रेक करता है यहाँ पे और नीचे कंसोलिडेट करता है 39,700 के लेवल के आसपास में, तो यहाँ से हमें 200 से 300 पॉइंट का मूव नीचे साइड के लिए भी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 39,500 से लेके 39,400 के लेवल के आसपास देखने को कल मार्केट मिल सकता है। तो ध्यान रखिए कि मार्केट में यहाँ पे जो चैनल बना है वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस शो कर रहा है फिलहाल के लिए, और यहाँ पे वोलेटिलिटी हो सकती है अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट मिलता है हमें तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप भी आपके चार्ट में
ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो यहाँ से हमें 200 से 300 पॉइंट कवर करने के लिए ऊपर साइड के लिए मिल सकते हैं, या अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो 200 से 300 पॉइंट हमें नीचे के लिए भी ब्रेकडाउन के बाद मिल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस मंडे के सेशन के लिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ज़ीरोधा एंड फायर्स का, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।